गाइस, रिचा की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी प्याज के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। पकौड़ों की विधि देखने के लिए आप बने रहें मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो गाइस, मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसी कटाई, 1 चम्मच गरम मसाला, जीरा है और नमक स्वाद अनुसार है। उसके बाद 1 कटोरी बेसन लिया है। यहाँ बेसन आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, आपको कितने लोगों के लिए बनाने हैं। यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, थोड़ा धनिया लिया है और 5 हरी मिर्च ली है। आलू, प्याज, हरी मिर्च और धनिया को काट लेना है। काटने के बाद हमें एक छोटा बर्तन लेना है। बर्तन में पहले आलू डालने हैं, आलू को छोटा छोटा चॉप करना है। फिर हमें प्याज लेनी है, प्याज को भी हम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च भी छोटी छोटी कटी होनी चाहिए। हरी मिर्च के बाद आगे हमारे मसालों की बारी, उसमें पिसी कटाई है, गरम मसाला है। गरम मसाले के बाद फिर हम डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच हल्दी। हल्दी के बाद और इसमें ऐड करेंगे नमक, जो कि मैंने पहले इसे स्वाद अनुसार निकाल के रखा है अपनी प्लेट में। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा अपनी हथेली से मसल के, ताकि इससे महक अच्छी आ सके। जीरे के बाद अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, जिससे कि हमारे पकौड़ों में अच्छी सी महक आ सके। अब आ गई हमारे धनिया की बारी, जिससे कि हमारे पकौड़ों में और अच्छी सी खुशबू आ सके और सुंदर दिख सके, इसलिए हमने इसमें धनिया ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से हम इसे मिला रखने के बाद बेसन डालेंगे। बेसन हम अपने हिसाब से डालेंगे, अगर बेसन ज़्यादा डल जाएगा तो इससे हमारे प्याज और आलू है और उसका टेस्ट नहीं आएगा। ज़्यादा बेसन डालने से हमारे पकौड़ों में बेसन की महक आने लगती है, इस वजह से हम अपने हिसाब से बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद हम इस मिक्सचर को अच्छे से और मिला लेंगे, ताकि सब मसाला अच्छे से एक दूसरे मिक्स हो सके। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी को ज़्यादा नहीं डालना है, कम ही मात्रा में डालना है, ताकि पेस्ट अच्छे से बन सके। अब यहाँ हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, अच्छे से हमने मिला के तैयार कर लिया है। अब हमारी आ गई पकौड़ों की बारी, कितना अच्छा पेस्ट हमारा दिख रहा है। गोल हमारा तैयार हो गया। अब हम गैस चलाएंगे, उस पर कढ़ाई रख देंगे। यहाँ कढ़ाई रखने के बाद हमारी कढ़ाई गर्म हो गई। अब हम इसमें एक एक करके पकौड़े ऐड कर देंगे, फिर पकौड़ों को अच्छे से पकने देंगे। अब पकौड़ों को हम कढ़ाई में जब तक डले रहने देंगे, ताकि तब तक ब्राउन ना पड़ जाए। हमें पकौड़ों को मीडियम गैस पर सेकना चाहिए, ताकि हमारे पकौड़े अंदर से अच्छे से क्रिस्पी हो सकें। एक बार हमें अपनी छलनी से पकौड़ों को तलना है, ताकि अच्छे से देख सकें हमारे जल तो नहीं रहे नीचे पकौड़े। यहाँ हमारे पकौड़े सेक के तैयार हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है इन पकौड़ों में हमारों में। ये हमारे अब सर्व करने के लिए तैयार हो चुके हैं पकौड़े। कढ़ाई से अब हम प्लेट में निकाल लेंगे पकौड़े, ताकि ठंडे हो जाए, फिर हम इन्हें सर्व करें। यहाँ पकौड़े हमारे खाने के लिए तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी सिके हुए हैं पकौड़े हमारे, देखिए कहीं से भी कच्चे नहीं हैं, आपको दिख रहा है ना। फिर हम इसे अपनी केचप से या चटनी से किसी से भी खा सकते हैं। अगर गाइस आपको पकौड़े मेरे अच्छे लगे हों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मज़ेदार पकौड़े देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं।